आज हम लोग हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ये वाला देखो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स वाले चैप्टर में मूव करने से पहले इस चैप्टर में जो इसका टाइटल है क्लासिफिकेशन, इस वाले टॉपिक पे थोड़ा सा हम लोग पहले जोर देते हैं और फिर आगे अपने डिस्कशन को कंटिन्यू लेकर जाएंगे। आज का वैसे भी मैं बता दूँ जो डिस्कशन होने वाला है वो बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल पर होगा, ज़्यादा कोई अपन हार्ड एंड फास्ट वाली कोई चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ही सिंपल बेसिक्स। देखो नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपका जो सिलेबस है, या फिर मैं कहूँ नाइन्थ एंड टेंथ मिला के जो आपका सिलेबस है, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के क्लासिफिकेशन आपको सिखाता है। बट द पॉइंट इज कि हमें एनिमल्स को या फिर प्लांट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन करने की नीड क्या है। सबसे जो ज़रूरी क्लासिफिकेशन था कि अरे ये वाली फलाना चीज़ प्लांट है, ये वाली फलाना चीज़ एनिमल है, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर से एनिमल का क्लासिफिकेशन, फिर से प्लांट का क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हो यार? फर्दर क्लासिफाई करने की नीड आपके लिए क्या है? तो एक्चुअली अगर हम पूरे अपने अर्थ प्लैनेट में देखें, इंक्लूडिंग टेरिस्टिशियली मतलब ज़मीनी स्तर पर, प्लस ओशन के अंदर, प्लस नदियों के अंदर, जहाँ जहाँ तुम देख सकते हो वहाँ वहाँ तुम जाके देखो, तो बेसिकली प्लांट्स बहुत सारे हैं। प्लांट्स आपके पास इतने सारे हैं, उनके अलग अलग वैराइटीज़ हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स क्लाइंबर्स हैं, कुछ क्रीपर्स हैं, कुछ बहुत बड़ी ट्रीज़ हैं, कुछ घास के जैसे छोटे छोटे शर्ब्स हर्ब्स टाइप, मतलब घास के जैसे हर्ब्स हैं, रोज़ प्लांट के जैसे कोई शर्ब्स हैं, है ना। तो एक्चुअली हमारे अर्थ प्लैनेट पर प्लांट्स की बहुत सारी वैराइटीज़ अवेलेबल हैं। कुछ प्लांट्स पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, कुछ प्लांट्स पानी के अंदर हैं, कई प्लांट्स में फूल आते हैं, फल आते हैं, कई में फूल फल आते ही नहीं हैं, कई ग्रीन कलर के होते हैं, कई ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं, इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं कि अगर आपको हर एक प्लांट की पढ़ाई करनी है तो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू रिमेंबर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थाउजेंड एंड लैक ऑफ प्लांट्स, थाउजेंड ऑफ लैक ऑफ प्लांट्स जो आपके अर्थ में है। ठीक है, उन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रख पाना कि इस प्लांट में कांटे आते हैं, इस प्लांट को सैंडी सॉइल लगती है जिंदा रहने के लिए, इस प्लांट को बेसिक सॉइल लगती है, इसको तेज धूप लगती है, इसको ज़्यादा पानी लगती है, ये ठंड में बनता है, ये क्लाइंबर है, ये क्रीपर है, इसको कम पानी देने से भी चलता है, इसको कम धूप में रखने से भी चलता है। इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक लाखों प्लांट्स के आप याद करते करते पगला जाओगे, मैं बता दूँ। ठीक है, तो देयरफोर इट इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एंड एवरी प्लांट ऑन अर्थ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे अर्थ पे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्लासीफाई कर देते हैं सर्टन कैटेगरीज में। जैसे कि मैं कैटेगराइज कर दूंगी कि ये प्लांट जो है ये स्नोई रीजन में लगता है, जैसे कि हम सब जानते हैं एप्पल्स हिमाचल और जम्मू में लगते हैं, है ना, हम सब जानते हैं संतरा नागपुर महाराष्ट्र में लगता है। तो हमने क्लासिफाई कर दिया कि ये ठंडी वाला पौधा है और ये गर्मी वाला पौधा है। तो अगर ये गर्मी वाला पौधा है तो उनको एक नाम दे देंगे, सर्टेन नाम दे देंगे कि लेट्स से समर फ्रूट। तो इससे पता चल जाएगा कि ये फ्रूट उन्हीं रीजन्स में उगेगा इंडिया के जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, और किसी को हमने नाम दे दिया विंटर फ्रूट, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि अच्छा इसको उगने के लिए हेल्दी फ्रूट एंड फ्लावर्स देने के लिए ठंड चाहिए। तो इसीलिए ताकि हर एक प्लांट की, हर एक स्पीशीज की जो कि हमारे इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी पढ़ाई को ठीक तरीके से किया जा सके, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनका क्लासिफिकेशन करो। तो प्लांट्स का भी क्लासिफिकेशन होता है, एनिमल्स का भी क्लासिफिकेशन होता है, मैं बता दूँ। ठीक है, दोनों का क्लासिफिकेशन होता है। तो अभी हमारा जो करंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि आप प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कैसे करोगे।
अलग अलग तरीके हैं। अब देखना, कई ऐसी सब्जियां या कई ऐसे फल होते हैं जो सीजनल होते हैं, जैसे तरबूज, ये आपको सिर्फ गर्मी के सीजन में देखने को मिलेगा। मटर और मेथी आपको इंडिया में ठंडी के सीजन में देखने को मिलेगी। बैगन, भिंडी, टमाटर, प्याज, आलू, आपको ये ऑल 12 मंथ्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि कोई प्लांट कौन से सीजन में आता है, तो उसके बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, जो कि आपने छोटे क्लासेस में जब आप रहे होगे 3rd 4th में तब आपने किया होगा, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल वगैरह वगैरह। या आप इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि वो प्लांट ज़मीन पे उगता है कि वो प्लांट पानी पे उगता है ना, टेरिस्ट्रियल है कि एक्वाटिक है, फ्लावरिंग है कि नॉन फ्लावरिंग है, फ्रूट गिविंग है कि नॉन फ्रूट गिविंग है, ग्रीन है कि कलरफुल है, सनी एरिया में रहता है कि शेडो एरिया में रहता है। कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसे हम घर के अंदर भी रख लेते हैं, धूप नहीं मिले तो भी चलता है। कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनको धूप नहीं मिले तो मर जाते हैं। तो अलग 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 तरीके हैं क्लासिफिकेशन करने के। बट करंटली हम लोग जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का यूज़ करेंगे, जो कि 1959 में रॉबर्ट विटेकर नामक एक प्राणी थे, एक इंसान थे, उन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। मैं क्या बता रही हूँ कि देयर आर वेरियस वेज टू क्लासीफाई अ प्लांट। मेरा मन करेगा तो मैं प्लांट्स को क्लासीफाई करूँगी ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, तुम्हारा मन करेगा तो तुम इस बेसिस से प्लांट को क्लासीफाई करोगे ऑन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, किसी तीसरे का मन करेगा तो वो इस बेसिस पे क्लासीफाई करेगा कि प्लांट धरती पे रहता है कि जमीन पानी में रहता है। बट 1959 में साइंटिफिक तरीके से प्लांट्स को रॉबर्ट विटेकर ने क्लासीफाई करने के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नामक एक कंसेप्ट को आपके सामने रखा। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने प्रपोज किया, किस ईयर में प्रपोज किया, ये आराम से चीज़ें आपसे स्कूल एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जीके फैक्ट है, मैं बता दूं तो ये एक ऐसा जीके फैक्ट है कि जो आपको पता होना ही चाहिए। खैर, अब आगे ये 5 किंगडम आपका जो क्लासिफिकेशन है, इस पर अपन लोग बातचीत करते हैं कि भैया ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक्चुअली है क्या। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे अपन आते हैं। तो देखो, अगर मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पहले मैं प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा तुम्हें छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारे आजू बाजू जो पेड़ पौधे हैं, ये सूरज की रोशनी को यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना ये खुद बनाते हैं, बराबर। तो इसीलिए प्लांट्स को एक्चुअली क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, बराबर। क्यों इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं बताओ, क्योंकि ये प्लांट सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि प्लांट्स खुद का खाना खुद बना लेते हैं, उस खाने से वो खुद की डेवलपमेंट भी कर लेते हैं, उनकी ब्रांचेस बढ़ती हैं, उनकी स्टेम मोटी होती है, उनकी रूट मोटी होती है, उनकी हाइट बढ़ती है ना, उनकी नई नई लीव्स आती हैं, उनमें फ्लावर्स आते हैं, उनमें फ्रूट्स आते हैं, ये सारी डेवलपमेंट प्लांट अपने अंदर करता है। बट उस प्लांट को बकरी खा जाती है, तो इनडायरेक्टली बकरी की बॉडी के अंदर एनर्जी आ गई प्लांट को खाने से। तो प्लांट को जब बकरी ने खाया या किसी दूसरे हर्बीवोर ने खाया, तो उस हर्बीवोर की बॉडी में एनर्जी किसने दी, उस प्लांट ने दी। तो प्लांट इज बेसिकली अ प्रोड्यूसर, और जो जो लोग प्लांट्स को खाते हैं वो सब कंज्यूमर्स हैं। मैं भी प्लांट खाती हूँ, सब्जी भाजी तुम भी खाते हो, तो वी आर कंज्यूमर्स, क्योंकि उनको खा के हमें एनर्जी मिलती है। सो वी आर कंज्यूमर्स, ठीक है, वी आर कंज्यूमर्स। उसके बाद क्या होता है, मान लेते किसी बकरी को कोई जानवर खा गया, तो अब तुम बोलोगे मैडम वो शेर तो प्लांट नहीं खाता, तो शेर को तो एनर्जी नहीं मिलनी चाहिए। प्लांट से एनर्जी बकरी को मिल गई, बकरी को खा गया शेर, तो शेर को बकरी से मिली, और बकरी के पेट के अंदर पहले से प्लांट था, तो इनडायरेक्टली शेर के पास भी एनर्जी कहाँ से आई, प्लांट से ही तो आई ना। तो प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉपिक हैं,
और ये बाकी सभी जितने भी अर्थ प्लैनेट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी के फूड का सोर्स है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आप डायरेक्टली उस प्लांट को कंज्यूम कर रहे हो तो आपके लिए फूड का सोर्स वही है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है जो प्लांट तो नहीं खाता बट एनिमल को खाता है, तो जिस एनिमल को उसने खाया है उस एनिमल ने तो लेकिन प्लांट को खाया था ना, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सभी के एनर्जी का जो सोर्स है वो कौन होता है, प्लांट होता है। अब ये जो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट है इसके बेसिस पर हम लोगों ने उसको क्लासिफाई करना शुरू किया, ठीक है। तो जब हम लोग इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, हमने चीज़ों को देखा, हमने ऑब्जर्व किया, हमने ये देखना शुरू किया कि आप जिस प्लांट को क्लासिफाई कर रहे हो, ठीक है, आप जिस प्लांट को क्लासिफाई करना चाह रहे हो उस प्लांट में, हमने क्वेश्चन किया, एक प्लांट को देखने के बाद हमने क्वेश्चन किया, यार इस प्लांट में फ्रूट्स आते हैं क्या, अच्छा कि नहीं आते। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन किया, अच्छा अच्छा इसकी फ्रूट्स के अंदर सीड्स होती हैं क्या, कि इसके अंदर सीड्स नहीं होती, जैसे अंगूर और केले में सीड्स नहीं होती है ना, पपाया खोलोगे तो सीधी सीड्स होती हैं, इसके अंदर सीड है कि सीड नहीं है, इसके अंदर फ्लावर है कि फ्लावर नहीं है, राइट, इसके अंदर इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कि नहीं है, इसके अंदर इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन है कि ओपन है। इतने सारे हमने क्वेश्चंस किए और इतने सारे क्वेश्चंस के बाद हम लोगों ने प्लांट्स को सबसे पहले दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, ठीक है। पहली कैटेगरी हम लोगों ने उनको जो दी, दैट वेयर क्रिप्टोग्राम्स, ठीक है, एंड फेनेरोग्राम्स, ठीक है, दो कैटेगरीज में हमने क्लासिफाई किया, क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स, ठीक है। प्लांट्स का हमने दो क्लासिफिकेशन किया, हमने एक को नाम दिया क्रिप्टोग्राम्स और दूसरे को हमने नाम दिया फेनेरोग्राम्स। तो ये जो क्रिप्टोग्राम्स है वर्ड और ये जो दूसरा वर्ड है फेनेरोग्राम, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म्स, इसका मीनिंग क्या होता है? तो देखो बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, बहुत ही आसान सा। क्रिप्टोग्राम का मतलब ऐसे प्लांट्स, ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो बेचारे, ठीक है, जिनके पास क्या होता है, सीड्स नहीं होते, ठीक है, जिनके पास क्या नहीं होते, सीड्स नहीं होते। आप अपने आजू बाजू ऐसे कई प्लांट्स देखोगे जिनके पास सीड्स नहीं होते, उनके पास फ्लावर नहीं होता, ठीक है, नो सीड नो फ्लावर, खत्म। वन वर्ड में अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट आर क्रिप्टोग्राम्स, तो क्रिप्टोग्राम्स को तुम कैसे समझाओगे कि भाई ये एक ऐसा पौधा है जिसके पास फ्लावर भी नहीं होता, जिसके पास सीड भी नहीं होते। अब जैसे धनिया देखो, धनिया, हम धनिए को लाते हैं, धनिए के बीज होते हैं खड़ा धनिया, धनिए के फ्लावर्स भी होते हैं वाइट वाइट कलर के, तो वो क्रिप्टोग्राम नहीं है। कई लोग अपने दिमाग में मतलब ये ख्याल उनके दिमाग में आता है कि मैडम जो एकदम घास जैसे दिखते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, उनको क्रिप्टोग्राम कहते हैं। नहीं, उन्हें क्रिप्टोग्राम नहीं कहते, क्रिप्टोग्राम वो जिनके पास फ्लावर्स भी नहीं होते, जिनके पास सीड्स भी नहीं होती। तो ऐसे प्लांट्स जिनके पास नो फ्लावर नो सीड्स, दैट आर टर्म्ड एज क्रिप्टोग्राम्स, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि क्रिप्टोग्राम्स का मतलब क्या है, तो मैं क्रिप्टोग्राम्स के बारे में कहूँगी ये वो बेचारे लोग हैं जिनके पास नो सीड नो फ्लावर। जब तुम बड़े हो जाओगे, टेंथ क्लास में आओगे, तब तुम लोगों को एक रिप्रोडक्शन नामक एक चैप्टर होगा जो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में भी है और एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के बारे में भी है। तब वहाँ पे हम दो टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके हैं, बडिंग है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, टिश्यू कल्चर है, मतलब कुछ सिंथेटिक है कुछ नेचुरल है। तो उन्हीं में एक तरीका है स्पोर फॉर्मेशन, या टेंथ में पढ़ोगे या फिर एट्थ वगैरह में आपने पढ़ा होगा। तो क्रिप्टोग्राम्स को अगर रिप्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो ये बेचारे लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन होता है वो उसका रिप्रोडक्टरी ऑर्गन होता है फ्लावर। अगर प्लांट के पास फ्लावर ही नहीं है, मतलब उसके पास रिप्रोडक्टरी ऑर्गन ही नहीं है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता।
वो कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा अपनी प्रजातियों को बढ़ाने के लिए, वो यूज करेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये किसका मैसेज है? आचल, मैं अंकित से पूछकर तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ, ठीक है? क्या तुम्हारा शेड्यूल है? मुझे अभी कैसे, मिड वीक तो आ गया है, मंडे से मैं तुम्हारे लिए इसको अरेंज करने की कोशिश करती हूँ, पूछती हूँ इसका क्या पॉसिबल आउटकम है, ठीक है? अच्छा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब आप 10th क्लास में पढ़ोगे तो 10th क्लास में आप जानोगे कि अलग अलग प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, जिसमें से एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा आप लोगों का कौन सा, जिसे हम लोग कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो बेचारे जो आपके क्रिप्टोगैम्स होते हैं ना, उनको ये स्पोर फॉर्मेशन ही करना पड़ता है, ठीक है? तो नो फ्लावर नो सीड, ऐसे वाले लोगों को हम लोग कहेंगे क्रिप्टोगैम। तो क्रिप्टोगैम के बहुत सारे आप लोगों के एग्जांपल्स हैं, ठीक है? अगर आपने फर्न्स देखे हैं, अब मैं फर्न्स को तुम्हें गूगल करके बताती हूँ कि आखिर फर्न्स कैसे दिखते हैं। फर्न्स को बहुत जगहों पे यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डेकोरेशन, ठीक है? डेकोरेशन के लिए बहुत जगहों पे यूज़ किया जाता है। आपने अलगी देखी होगी, अलगी, ये दो बेस्ट एग्जांपल होते हैं किसके, आपके क्रिप्टोगैम्स के। आई थिंक फर्न्स का तो एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया भी है, मेरे हिसाब से जब मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था तो फर्न्स था। हाँ, ये देखो, ये होते हैं फर्न्स। बट चलो एक बार इसका गूगल कर लेते हैं ताकि हमको भी आइडिया हो जाए कि भैया फर्न्स आप लोगों का कैसा दिखता है, ठीक है? दो मिनट, नेट स्लो है। अच्छा देखो, स्पेलिंग एरर हो गई, दो मिनट। खुल जा भाई जल्दी से। हाँ, तो ये देखो, ये जो फर्न्स हैं इसे हम लोग फर्न्स कहते हैं। ये एक इंडोर प्लांट है, तुम इसको अपने घर के अंदर भी रख सकते हो, ठीक है? ये जो फिलहाल तुम्हें इमेज दिख रही है, एक बार खुद गूगल करके देख लेना, राइट? तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसको हम फर्न्स कहते हैं, और ये फर्न्स का क्या होता है, डेकोरेशन होता है। तो ये क्या है, एक क्रिप्टोगैम है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता, इस बेचारे के पास सीड नहीं होता, इस बेचारे के पास फ्लावर नहीं होते, ठीक है? फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है फेनेरोगैम्स। अब तुम खुद समझ जाओ, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा है ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन। फेनेरोगैम्स में देखो क्या है, PHANEROGAMS। फेनेरोगैम्स उन्हें कहते हैं जिनके पास क्या होता है, फ्लावर आता है, ठीक है? फेनेरोगैम उन्हें कहते हैं जिनके पास क्या आता है, फ्लावर आता है। क्रिप्टोगैम किसे कहते थे, जिसके पास फ्लावर ही नहीं था, है ना? बराबर, फेनेरोगैम किसे कहते थे, जिन बेचारों के पास फ्लावर ही नहीं था। तो फेनेरोगैम किसे कहते हैं, जिनके पास फ्लावर है। यस, जिनके पास क्या है, फ्लावर है। जिनके पास फ्लावर है आप उन्हें कहते हो फेनेरोगैम्स। अच्छा, फिर फेनेरोगैम्स के अगेन दो क्लासिफिकेशन होते हैं, अगेन दो क्लासिफिकेशन। एक को हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है? एक को हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और एक को हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स के आगे जाके अगेन दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं मोनोकॉट, हम धीरे धीरे डिटेल पढ़ेंगे, एक को हम लोग कहते हैं डाइकॉट। तो हमें जो प्लांट दिया गया, प्लांट को हमने पहले तो दो सब किंगडम्स में क्लासिफाई किया। दो सब किंगडम्स हमारे कौन कौन से थे, ठीक है? क्रिप्टोगैम और एक है फेनेरोगैम। फिर उसके बाद
क्रिप्टोग्राम को हमने अगेन दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, ठीक है, आगे देखेंगे कौन से हैं वो। जिम्नो आपने फिनेरोग्राम को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक था जिम्नोस्पर्म, एक था एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हमने अगेन दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक था मोनोकॉट और एक था डाइकॉट, ठीक है। वो सब डिटेल पढ़ेंगे, मोनोकॉट क्या है, डायकॉट क्या है, बट ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया ये क्लासिफिकेशन 1883 में इचलर ये एक बोटानिस्ट ने आपको दिया, और इसी पर्टिकुलर किंगडम को, इसी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को हम लोगों को हमारी बुक में पढ़ना है। तो अभी हम लोगों का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसको हम लोग फिलहाल यहाँ पर रोकते हैं। कल हम लोग ये जो आपके डिविजन्स हैं थायलोफाइटा, ब्रायोफाइटा वगैरह वगैरह, इसको हम लोग अब कल की क्लास में